वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नारियल का पेड़ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको पहले एक नारियल का पेड़ ढूंढना पड़ेगा। तो सॉरी मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। आपको चाहिए एक पेंसिल, इरेजर और कलर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, नारियल का पेड़ ड्रॉ करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सर्कल ले लेना पड़ेगा, ठीक है। एक मैंने सर्कल ले लिया, तो इसके बीच में एक लाइन ले लो। उसके बाद इसको आप ऐसे कर लो, ये हो गया उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो वाला। तो ये हो गया हमारा नारियल पेड़ का नीचे का हिस्सा। अभी यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे 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 आपको लाइन्स ले लेना, ठीक है। तो इसके इसको ले लेने के बाद हमें ये वाला इरेज कर देना है। तो इरेज करने के बाद ये कुछ इस तरीके का लगेगा। अभी नारियल पेड़ है तो नारियल तो रहेगा ही, तो यहाँ पे हमें इस जगह पे हमें थोड़ा नारियल बना लेना है। कैसे, कुछ ऐसे गोल ऐसे करते हुए आपको नारियल बना लेना है, ठीक है। तो ये मैंने नारियल कंप्लीट कर ली, क्योंकि हमारा नारियल अभी हम इसे इसमें हम स्केच नहीं देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट कलर पे चलते हैं। चलिए, तो गाइज इसमें इस तरफ से लाइट आ रहा है, तो हमें पहले लाइट ग्रीन से जिस तरफ से लाइट आ रहा है उसकी तरह हमें ऐसा कलर करना पड़ेगा। देख लो कलर कैसे करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऐसे, ठीक है। तो नारियल का पेड़ ऐसे ही होता है, हमें ऐसे धीरे धीरे करके इसे ऐसे छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले उस तरफ का जो बड़ा रहेगा उसके बाद इसे छोटा, और इसको रहेगा इधर से, इसका जो है लाइट आएगा इधर से। तो ये हमने इसका कर लिया, अभी हमें सबका ही करना पड़ेगा। तो मैं करता हूँ, आप लोग देखिए। तो ये मैंने लाइट की जो एरिया है उसको मैंने कंप्लीट कर ली। अब देख सकते हैं इस तरफ से लाइट आ रहा है, तो अभी हमें क्या करना होगा, ये डार्क ग्रीन से इसके उल्टी तरफ भी ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा, तो हम सब में ही ऐसा करेंगे। तो मैं कर लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए। तो ये हमने कर ली कंप्लीट। अभी इसी कलर से हमें इसका जो ये हिस्सा है ये इसका कहीं इधर उधर करके थोड़ा थोड़ा ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। जो कि एक दो पत्ते का अगर शेडो उसके और पत्ते के ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए हमें इसे ऐसे दो एक जगह पे, ज़्यादा नहीं, कुछ बहुत ही कम जगह पे ऐसे देना पड़ेगा। अभी क्या करना होगा, हमें पुशियन ब्लू को लेके जिस तरफ हमने डार्क किया है उसके जो पत्ते का जो डार्कनेस होता है उसको हमें देना पड़ेगा ऐसे। अब लोग देख लो ध्यान से कैसे दे रहा हूं मैं, ये हो गया हमारा इसका जो डार्कनेस है वो वाला हिस्सा हो गया। अभी हमें क्या करना है, लाइट ग्रीन से इसका जो डंडी हमने की थी पेंसिल से वो हमें ऐसे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, डार्क ग्रीन से नारियल का आउटलाइन कर लेना है। ये हो गया नारियल का आउटलाइन। अभी लाइट ग्रीन से इसको अंदर का फील करना है, ठीक है। इसका अंदर का जो हिस्सा है उसे लाइट ग्रीन से फील करना है। तो इससे क्या होता है, एक ऑटोमेटिक एक शेडो का जो शेड होता है उस वो आ जाता है इसमें। अभी इसके बाद हमें पुशियन ब्लू से ही इसका आउटलाइन का कहीं पे जो जैसे कि लगेगा जी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा शेडो गिरेगा वहाँ पे हमें दे देना है, ठीक है, ऐसे। ये हो गया हमारा नारियल और ये वाला हिस्सा भी हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसका जो नीचे का हिस्सा उसे करना है। तो उसे करने के लिए पहले हमें वायलेट, डार्क वायलेट ले लेना होगा, और हमें जो शेडो एरिया है उसको पहले हमें फील करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं, जो कि इधर से लाइट आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा पहले डार्क ही रहेगा,
तो यहाँ पे हमने डार्क दे दिया। अभी इसका जो है दाएं तरफ हमें लाइन को ले लेना होगा, ये मैंने ले ली दाएं तरफ। अभी इसका दाएं तरफ से धीरे से हमें ऐसे शेडो भी देना होगा, यहाँ पे ज़्यादा रहेगा। और देने के बाद हमें क्या होना, ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे नारियल का पेड़ का में जो होता है ऐसा एक टेक्सचर होता है, उसके लिए हमें ऐसे देना है। और ये हो जाने के बाद हमें इस तरफ एक लाइन इधर उधर करके एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा नारियल का पेड़ का नीचे का हिस्सा। अभी इसके ऊपर हमें देना है ये वाला कलर, मतलब कि हमें देना है यहाँ पे इसके ऊपर ही देना है ब्रांड साइना, ठीक है। तो मैं दे रहा हूँ, देख लो आप लोग। इसके ऊपर पूरा दे देना है, सिर्फ ये वाला लाइट हिस्सा नहीं, ये डार्क वाला हिस्सा भी हमें कंप्लीट करना है इसे। तो मैंने जैसे ही पहले भी कहा था कि अगर आप पहले शेडो दे दो, उसके ऊपर अगर आप लाइट कलर अप्लाई करते हो तो वो ज़्यादा अच्छे से मिक्सिंग हो जाती है, ठीक है। आपको मिक्सिंग करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, आप अप्लाई करने पे ही वो मिक्सिंग हो जाएगा। तो ये मेरा कलर थोड़ा निकल गया बाहर से, उसके लिए मैं तो यहाँ पे मैंने कलर को एडजस्ट कर लिया। तो ये हो गया हमारा नारियल का पेड़ कम्प्लीट। तो कैसा लगा गाइज ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही, बाय बाय।